खबर गाजीपुर से है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात बच्चे की मौत हो गई। नवजात बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मामला नंदगंज क्षेत्र के आयुष्मान हॉस्पिटल का है। बताया जा रहा है कि वासुचक गांव की रहने वाली एक महिला को परिजनों ने डिलीवरी के लिए भर्ती कराया। अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला के प्रसव के लिए ऑपरेशन किया। प्रसव के दौरान नवजात बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन व डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। फिलहाल सीएमओ ने मामले की जांच का आदेश दिया है। गाजीपुर से मोहम्मद साहिद की खास रिपोर्ट। सर, कल नंदगंज में आयुष्मान हॉस्पिटल में एक प्रसूता के पुत्र प्रसव हुआ, उसमें बच्चे की मौत हो गई और प्रसूता की भी हालत गंभीर हो गई थी, उसको लेकर सर क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें हमारे संज्ञान में आया था, तो मैंने आज एक टीम बना के भेजा है, रिपोर्ट आने के बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें एक मामला ये आ रहा है कि पहले वो ANM के पास गए थे और ANM ने जो कमीशन कर उस हॉस्पिटल में, क्या उस ANM के खिलाफ कोई जांच की जाएगी? जो भी दोषी पाया जाएगा सबके खिलाफ कार्रवाई। हमारी भाभी लगती हैं, ठीक, उनको डिलीवरी होने वाला था तो 11 बजे रात को उनका पेट उठने लगा, उनको लेके गए सरकारी हॉस्पिटल में वास, ठीक, तो वहाँ से नहीं संभरा, सुबह तक 7 बजे तक थे, तो वहाँ की जो डॉक्टर थी वो कहे कि हम बुला दे रहे हैं डॉक्टर को, तो तुम संपर्क की वो भेजी हम लोग को यहाँ पर आयुष्मान हॉस्पिटल, तो वही भेजी हैं, तो वही पूरा हमारी थी कह रहे थे कि हम करा देंगे, ठीक, और यहाँ पर जो तो यहाँ से बात की जो हॉस्पिटल पर थी तो उसे एम्बुलेंस नहीं भेजा गया था, पहले बार तो चार चक्का भेजा गया था, ठीक, गाड़ी तो वहाँ पर लेकर आया गया, फिर यहाँ पर भर्ती किया गया, तो फिर ऑपरेशन जब किया गया तो सबको बाहर निकाल गया, आ गया तो बच्चा को कह रहे कि मरा हुआ है बच्चा, जी।